त्योहारों के मौसम में पाकिस्तान और उसकी धरती पर पल रहे आतंकी भारत में गड़बड़ी फैलाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। खुफिया अलर्ट के मुताबिक जैश के आतंकी दिल्ली में घुस आए हैं। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI फिदायीन ग्रुप के जरिए भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। आतंकियों के निशाने पर देश की राजधानी सावधान, दिल्ली में घूम रहे हैं जैश के चार आतंकी। त्योहारों के दौरान फिदायीन हमले की साजिश। दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकी घुस आए हैं, जिसके बाद राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। IB की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमले के लिए ISI फिदायीन ग्रुप तैयार कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद तमाम भीड़ भाड़ वाले जो बाजार हैं, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस की है, जहां पर सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। जितनी भी गाड़ियां यहां पर आ रही है, सबकी गहनता से छानबीन की जा रही है, ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। जो इनपुट मिले उसके मुताबिक आतंकी भीड़ वाले बाजार या फिर जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा यहां पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। आतंकवादी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ग्रेनेड डाल सकते हैं या IED लगा सकते हैं। मानव बम या विस्फोटक से लदे वाहन के जरिए भी हमले की आशंका है। आतंकवादी प्रमुख शहरों के हाई सिक्योरिटी एरिया में अंधाधुंध गोलीबारी भी कर सकते हैं। ISI जम्मू और कश्मीर के बाहर बड़े शहरों में हमले की साजिश रच रहा है। हमले जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के जरिए कराए जा सकते हैं। अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर कैफे, पुराने कार डीलरों, सिम कार्ड डीलरों, केमिकल की दुकानों पर खास नजर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग इलाकों में कम से कम 12 जगहों पर छापे भी मारे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने लोगों से न घबराने के लिए कहा है। फेस्टिवल को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट है और तमाम जो हमारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स वो हमने लिए हुए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और तमाम जो हमारे पास इनपुट है उस पर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।